हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपके साथ आलू के बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और क्रिस्पी सैंडविच की रेसिपी शेयर करूंगी। तो कम समय और कम इंग्रेडिएंट से बनने वाले इन सैंडविच को आप बच्चों के टिफिन बॉक्स में देने के साथ ही सुबह शाम के ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हो और इन्हें बनाना बहुत आसान है। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। रेसिपी अगर पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आलू के इन हेल्दी और टेस्टी सैंडविच को बनाना। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ ब्राउन ब्रेड की स्लाइस के अलावा ये चार उबले हुए आलू लिए हैं, जिन्हें मैंने यहाँ पर छील लिया है। तो सबसे पहले मैं सैंडविच के लिए फिलिंग बनाकर तैयार करूंगी। तो आलू को इस तरीके से हाथों से मैश कर लेंगे। यहाँ पर मैं इन्हें हाथों से मैश करके डाल रही हूँ। आप चाहो तो इन्हें ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हो। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी ये बारीक कटी हुई प्याज। तो अगर आप प्याज नहीं खाते हो तो आप इसे स्किप कर लें। बारीक कटा हुआ हरा धनिया, दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो अब मैं इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड करूंगी। तो इसमें मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है। तो अब मैं यहाँ पर इसमें ऐड करूंगी आधा छोटा चम्मच भुने जीरे का पाउडर, 1/4 चम्मच रेड चिली पाउडर, क्योंकि मैंने हरी मिर्च का भी यूज़ किया है तो इसे मैंने कम डाला है। 1/4 चम्मच मैंने इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डाला है। एक पिंच से थोड़ा ज़्यादा मैंने इसमें हींग डाली है, ये डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। और लास्ट में इसमें एक चम्मच से थोड़ा कम चाट मसाला पाउडर डाला है। तो अच्छे से यहाँ पर इन सभी चीज़ों को हाथ से मिक्स कर लेंगे। तो इन सैंडविचेस को और भी ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी बनाने के लिए लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये दो बड़े चम्मच क्रश की हुई भुनी मूंगफली। आप चाहो तो इसे स्किप कर सकते हो, लेकिन इनसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इस फिलिंग में। तो यहाँ पर हमारी ये बहुत ही टेस्टी फिलिंग बनकर तैयार है, इसे साइड में रख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये दो ब्राउन ब्रेड की स्लाइस ली हैं, इनके ऊपर मैं लगाऊंगी पहले बटर। बटर लगाने के बाद इनके ऊपर लगा देंगे ये सेजवान सॉस। आप चाहो तो इसकी जगह टमाटो केचप या हरी चटनी का भी यूज कर सकते हो। तो अब मैं यहाँ पर इसके ऊपर रखूंगी फिलिंग जिसे हमने बनाकर तैयार किया था और अच्छे से फिलिंग को फैला दूंगी। तो यहाँ पर मैंने ये चीज की स्लाइस ली है, तो एक चीज को मैं यहाँ पर फिलिंग के ऊपर इस तरीके से रख दूंगी और दूसरी ब्रेड से इसे कवर कर लूंगी। तो एक बार हमें इस तरीके से इसे थोड़ा प्रेस कर लेना है। तो सेम प्रोसेस से मैं यहाँ पर दूसरी ब्रेड भी तैयार कर लूंगी। बटर और सेजवान सॉस लगाने के बाद फिलिंग को अच्छे से यहाँ पर मैंने इस तरीके से फैला दिया है। तो दूसरी ब्रेड से इसे अब मैं कवर कर लूंगी और थोड़ा प्रेस कर लूंगी। तो यहाँ पर अब हमें इन्हें टोस्ट करना है। तो टोस्टर को मैंने पहले ही प्रीहीट कर लिया है। तो इसे खोलकर पहले यहाँ पर थोड़ा सा बटर अप्लाई करेंगे। आप चाहो तो इसकी जगह घी या ऑयल का भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर दोनों ब्रेड को इस तरीके से मैं रख लूंगी और ब्रेड के ऊपर भी थोड़ा सा बटर लगा लूंगी। दोनों ब्रेड में बटर लगाने के बाद बटर को अच्छे से इस तरीके से स्प्रेड कर लेंगे। तो टोस्टर को अब मैं बंद कर लूंगी और इसे 3 से 4 मिनट तक टोस्ट करेंगे। तो अगर आपके पास टोस्टर नहीं है तो आप तवे पर भी दोनों साइड से इन्हें सेक सकते हो। तो यहाँ पर स्विच ऑफ करने के बाद टोस्टर को खोल लेंगे और सैंडविचेस को चेक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे ये बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और क्रिस्पी सैंडविचेस बनकर तैयार हैं। तो इन्हें मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ इस प्लेट में। तो फ्रेंड्स, ये सैंडविचेस देखने में जितने टेम्पटिंग लग रहे हैं, यकीन मानिए खाने में ये उतने ही टेस्टी हैं। तो इन्हें मैंने यहाँ पर इस प्लेट में निकाल लिया है। आप चाहो तो इन्हें ऐसे ही खा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर इन्हें पिज्जा कटर से कट कर रही हूँ। तो दूसरे सैंडविच को भी मैं यहाँ पर ट्रायंगल शेप में कट कर लूंगी। तो इसे मैं आपको पास से दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे ये बहुत ही टेस्टी, हेल्दी, क्रिस्पी और चीजी सैंडविच बनकर तैयार हो चुके हैं। तो आप इन्हें टमाटो केचप या हरी चटनी, अपनी मनपसंद किसी भी चीज के साथ सर्व कर सकते हो। तो मैं आशा करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।